का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज। रालोसपा में रहे प्रदीप मिश्रा ने आज उपेंद्र कुशवाहा पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। सर ये बताएं क्या क्या आरोप आपने लगाए हैं? देखिए उपेंद्र कुशवाहा बिहार का क्या देश का हमको लगता है सबसे भ्रष्ट लीडर है, जो समाजवादी विचारधारा की बात करता है और जो गरीब जो शोषित पिछड़े दलित इनकी लड़ाई की बात करता है, लेकिन जब अपनी बात आती है तो टिकट बेच देता है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने अकाउंट में, ये उनका अकाउंट है ये SBI बैंक का, और ये उनको हमने पैसे दिए हैं उनके खाते में, अपने खाते से 45-45 लाख रुपए दो हमने उनको जमा किए, क्योंकि उन्होंने हमसे मांगा तो हमने उनको दिया। और उपेंद्र कुशवाहा को ने हमें आश्वस्त किया था शुरू में ही, मैं आप लोगों को जैसा पता होगा पूरे बिहार का चुनाव उनका मैं सबसे करीबी रहा हूँ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने हमको आश्वस्त करके जब समय आया तो SR ग्रुप रवि रुइया शशि रुइया जो टू जी एस स्कैम और आपको कोलगेट घोटाला में जो CBI अभियुक्त है और भी बहुत सारी उनके ऊपर जाँचें चल रही है, ऐसे लोगों के कंपनी के लाइजन हेड जिसको हम लोग दलाल बोलते हैं हिंदी में, उसको टिकट देने का काम किया, जो कि वहाँ मोतिहारी का है भी नहीं, उसको 9 करोड़ में टिकट बेचने का काम किया। नहीं आपने बताया कि आपने पैसे दिए हैं 90 लाख, इसके अलावा भी आपने पैसे दिए हैं? उपेंद्र कुशवाहा का सारा चिट्ठा मेरे पास है, पूरा चिट्ठा है, एक एक चिट्ठा है मेरे पास, समझ जाइए, और इसकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है, क्या क्या इसने किया है, ये सब मैं एक एक चीज़ बताऊँगा और खोल खोल के एक एक चीज़ बताऊँगा, और आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को मैं परमानेंट के लिए खत्म कर दूँ। नहीं, आपने कहा, आपने प्रेस रिलीज में बताया भी कि आपने करीब 15 करोड़ रुपये खर्च किए हैं उपेंद्र कुशवाहा पे। व्यक्तिगत हमारे रिश्ते थे, वो जब जहाँ जो बोलते थे हर चीज़ मैं करता था, आप पता कर लीजिए पूरे पार्टी को, इकलौता प्रदीप मिश्रा जो चलाते रहा, जो भी उनकी रैलियाँ होती थी, एक एक रैली आप समझते हैं गांधी मैदान में रैली हो रही है कितना खर्चा है, बिहार में हेलीकॉप्टर में सब जगह मैं ही रहता था, पूरे बिहार विधानसभा को मैंने मैनेज किया, इसी होटल से उनके लिए मैंने अशोका पाटलिपुत्र सूट रूम बनाया, और आप कभी भी डाटा निकालेंगे तो प्रदीप मिश्रा हर जगह नजर आएगा, कोई भी बड़ा प्रोग्राम छोटा प्रोग्राम जिला समय। टिकट नहीं मिला इस यही वजह है कि आप? नहीं, टिकट से हमको नाराजगी नहीं है, हमको ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को मैं एक ईमानदार और अच्छा लीडर मानता था, मुझे नहीं था कि ये सोचता कुछ और है करता कुछ है, डबल माइंडेड है। और कैसे कह रहे हैं कि आप वो सोचता कुछ और है करता कुछ, जब आप पैसे खर्च कर रहे थे तो आपको पता नहीं था? जब उसने हमें बोला कि जब आप ही हमारे पार्टी में लीडर है और कौन है मोतिहारी से, आपको मैं उम्मीदवार बनाऊंगा, जब समय आया तो उसने टिकट बेच दिया और हमसे कभी भी राय नहीं ली उसने। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे इस बात का दुख है कि उपेंद्र कुशवाहा धोखेबाज है और बहुत बड़ा बेईमान आदमी है, भ्रष्ट। आगे भी और कोई खुलासे होने? बहुत सारी चीज़ें, अभी तो ये कुछ नहीं है, इसके आगे तो बहुत बड़ा बमबार्डिंग है। आपने बताया कि विदेशों में भी उनकी ज़मीनें हैं? हाँ, सब कुछ है विदेश में, इंडिया में, और भी बहुत प्रॉपर्टीज है, सबका डिटेल आप लोगों को साझा करें। आगे क्या करेंगे आप? आगे पूरा सर्जिकल स्ट्राइक है। JDU ज्वाइन करने वाले? JDU की बात नहीं है, देखिए हम लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और बिहार का नेतृत्व हमारे नीतीश जी के हाथों में है, जो बहुत ही कुशल शासक है, ऑनेस्ट है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ है, और बिहार की छवि नीतीश जी के ही कार्यकाल में बहुत अच्छी बनी है, देश में नहीं विदेश में भी, तो हम खुद उनसे बहुत प्रभावित है, और समय आएगा अगर वो बोलेंगे तो मैं ज़रूर उनके पार्टी में ज्वाइन करूँगा। ये थे प्रदीप मिश्रा, जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पे कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 90 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए गए, इसके अलावा 15 करोड़ रुपये तक भी खर्च उपेंद्र कुशवाहा को किए गए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना।